सीएम मनोहर लाल ने जम्मू कश्मीर के दौरे के दौरान पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना है। जम्मू कश्मीर के कटरा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए पीएम मोदी को सुना। इस दौरान उनके साथ हरियाणा के रोहतक से बीजेपी सांसद संजय भाटिया भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जम्मू के वैष्णो मंदिर देवी मंदिर में माता रानी के दर्शन किए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मंदिर में मत्था टेका है, प्रदेशवासियों की उन्नति सुख समृद्धि की कामना की। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान जम्मू कश्मीर और हरियाणा के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है, कई एमओयू भी साइन किए गए हैं। देखिए बड़ा ही सौभाग्य है मेरे लिए ये आज कि आज माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने का मुझे अवसर मिला है। मेरे साथ मेंबर पार्लियामेंट मेरे करनाल के श्री संजय भाटिया जी भी हैं। हमने दर्शन किया, माता जी के अच्छे से दर्शन हो गए हैं और यहाँ के पूरे स्टाफ ने हमारे सीईओ जो वैष्णो देवी इस ट्रस्ट इस श्राइन बोर्ड के हमारे सीईओ हैं, इन्होंने भी पूरा सहयोग किया है। यहाँ के स्टाफ ने भी सहयोग किया, बहुत अच्छे से दर्शन हुए और विश्व माता के मानव कल्याण की हमने आशा की है, हमने मन्नत मांगी है। देश की जनता, हमारे प्रदेश की जनता सभी खुशहाल हों, वह खुशहाली बने और उनके रास्तों में किसी प्रकार की बाधा ना आए, इस प्रकार की कामना करते हुए। और अभी जम्मू कश्मीर सरकार के साथ हरियाणा सरकार का एक हमारा आईटी टेक्नोलॉजी के सिस्टम को लेकर के बहुत से हमने नए जो प्रयोग किए हैं हरियाणा में और यहाँ की सरकार को पसंद आए हैं, तो एक एमओयू साइन करने की इच्छा यहाँ प्रकट की है, हमने स्वीकार किया। एक एमओयू होगा, हरियाणा में जितने भी व्यवस्था परिवर्तन की बातें आईटी के माध्यम से मैंने की है वो सब जम्मू कश्मीर भी जिनको अडॉप्ट करना चाहेंगे उनका पूरा सहयोग करेंगे, सहायता करेंगे। इसी एक उद्देश्य को लेकर के आए थे, माता के दर्शन हुए। बहुत बहुत किसी राजनीतिक नाते से यहाँ नहीं आया, ना मेरा कोई ऐसा दायित्व है, वो तो क्योंकि मेरा ये कार्यक्षेत्र रहा है लंबे समय तक। 3 वर्ष तक जम्मू कश्मीर में मैंने भ्रमण किया, बहुत हमारे पुराने साथी जो हैं उनकी इच्छा थी कि मिलना हो जाएगा, उनके साथ मिलने बैठने की बातचीत है, अन्यथा और कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है कि जब पहले मेरा भ्रमण होता था या मेरे पास जब संगठनात्मक काम था 3 वर्ष तक, उस समय जम्मू कश्मीर प्रदेश में 370 की धारा ये लगी हुई थी और यहाँ आतंकवाद भी चरम सीमा पर था। उस समय की बातचीत का चर्चा का विषय हमेशा कैसे आतंकवाद से मुकाबला करना है, कैसे हमको यहाँ के समाज की सुरक्षा शांति बहाली करवानी है, यही चर्चा चलती। इधर जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे सीएम मनोहर लाल ने कहा कि मैं जम्मू कश्मीर से 20 साल से जुड़ा हुआ हूं। पहले कश्मीर आतंकवाद से जूझता था, धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में परिवर्तन आया, आज आम आदमी का सुविधाएं लगातार मिल रही हैं। इधर कश्मीर में विकास को गति मिली है, पहले कश्मीर में ऑडिट सिस्टम नहीं था, कैग रिपोर्ट नहीं बना सकती थी, आज पैसा सही जगह जाता है। सीएम मनोहर लाल ने यह भी कहा कि पहले कश्मीर में भ्रष्टाचार होता था, आज कश्मीर में कोई आंदोलन भी नहीं होते, आज कश्मीर के लोग खुश हैं, सुखी हैं, लोग मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। ये आपको मैंने बताया कि मैं 20 साल से इस प्रदेश से जुड़ा हुआ हूं और जो 20 साल के हालात उस समय थे आप लोगों को तो शायद उसका ज्ञान नहीं होगा, लेकिन मुझे इसका ज्ञान है कि आतंकवाद से ही जूझना, आतंकवाद की ही चर्चा करना, लेकिन आज कितना परिवर्तन आया है और खास करके 370 हटने के बाद आज यहाँ आम आदमी को जो सुविधाएं मिल रही हैं, एक विकास की जो गति बनी है वो इसके कारण से बनी कि सब चीज़ें ट्रांसपेरेंट हो गई। एक समय था कि यहाँ इतना पैसा आता था लेकिन यहाँ ऑडिट सिस्टम नहीं था, सीएजी यहाँ की रिपोर्ट नहीं बना सकती थी। आज अकाउंटेबिलिटी हो गई है कि देश का पैसा, प्रदेश का पैसा ठीक जगह पर जाए। पहले तो कुछ हिसाब किताब भी नहीं होता था, जो ये प्रदेश भ्रष्टाचार में डूबा हुआ था, नीचे जनता उस समय पिसी हुई थी, लेकिन आज जनता को राहत जो मिली है, जनता इस समय किसी प्रकार के आंदोलन नहीं होता, जैसा गवर्नर साहब ने, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने बताया है, किसी प्रकार का कोई विषय नहीं होता, तो आज लोग यहाँ के सुखी हैं, खुश हैं और वो मुख्य धारा में जुड़ करके आगे बढ़ने में ही अपना भला चाह रहे हैं। वहीं अपने जम्मू कश्मीर के दौरे के दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि अब जम्मू कश्मीर में निवेश में तेजी आएगी, डर के चलते लोग कश्मीर में निवेश नहीं करते थे, अब कश्मीर में निवेश खत्म हो गया है, अब निवेश कश्मीर में निवेश के लिए देश विदेश से लोग आ रहे हैं, हरियाणा के लोग भी कश्मीर में निवेश करना चाहते हैं।
निश्चित रूप से निवेश यहाँ लोग अब करेंगे, जैसे जैसे उनको लगेगा यहाँ शांति आ गई है, यहाँ निर्भय तरीके से लोग अपना रह सकते हैं। पहले तो यही खतरे बने रहते थे, निवेश डर करके लोग नहीं करते थे, अब डर समाप्त हो गया, सब हो गया। और निवेश के लिए तो अब देश भर से भी लोग आ रहे हैं, विदेशों से भी आ रहे हैं। आज हमने भी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बात की, हरियाणा के लोग यहाँ कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो इन्होंने कहा कि हमारे जितने भी इंडस्ट्री एरिया है सब में लोगों को भेजिए, सब इन्वेस्ट करेंगे और हम भी आएंगे। निश्चित रूप से